मैं क्रिएटिव था ना, वो डांस हो रहा था, वो सबसे अलग था। दैट वाजंट क्रिएटिव बट आई एम नॉट जजिंग एनीवन, इट्स गुड फॉर हर। बहुत लोगों ने देखा है, लोग तो रातों को देख रहे थे। मजा जो आजकल मेरा दिल ये पुकारे जो चल रहा है उसमें उस बंदी ने किया गया है। आप पढ़ाई लिखाई कोई और चीजों पे जरा कर लो, ये तो एक अजीब सी चीज थी जिसको हम अपने बच्चों को दिखाना भी नहीं चाहेंगे कि आगे चल के वो ये हरकतें करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात करने वाले लोगों से कि भाई वो क्या राज है जिसकी वजह से वीडियो वायरल होती है। हमें अपनी वीडियो वायरल करनी है, क्या करें ऐसी तो ऐसा काम क्या करें कि वीडियो वायरल हो। अच्छा ये ख्याल रखिएगा, मैं लड़का हूँ, मुझे डांस नहीं आता। मैं पहले ही बता लेना, वो गाय आ रही है भागती हुई, हम में ही ना घुस जाए आके। अबे गाय आ रही है भागती हुई कि हम में ही ना घुस जाए आगे। कुछ भी वियर्ड सी चीज जो कि अनकॉमन हो वो वायरल हो जाएगी। कैसा, मुझे क्या करना पड़ेगा अनकॉमन, मतलब मैं क्या बाल बिगाड़ू या सीट हो, मैं गुटखा भी नहीं खाता। अच्छा जैसे वो था पार्टी हो रही है, वो समथिंग डिफरेंट, उन्होंने अपना जो था एक्सेंट चेंज कर दिया था बस, हमारी पार्टी हो रही है, तो कुछ भी कॉमन हो सकता है। क्या होगा, क्या मुझे करना है, क्या मुझे बताए ना, एक काम मैं करूँ ये तो खोता हो गया, मतलब लोग मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करें आप, कुछ तो राज हो यहाँ पे। अगर आप फ्री टिकट दे दें लोगों को तो फिर वायरल, फ्री टिकट देके वायरल जो मैं होऊंगा ना वो फिर देखने वाला नहीं होगा। चलो चलो चलो। अच्छा ये जो लड़की ने डांस किया है बड़ी मशहूर हो गई, करोड़ों कमा लिया, ठीक है, आप लोगों के माइंड में आता है हम लोग भी कुछ ऐसा करें? आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ फेम, सॉरी। अच्छा अच्छा स्कोप है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? गुड फॉर हर, आई एम नॉट जजिंग हर, लेकिन नॉट फॉर मी। बहुत लोगों ने देखा है, लोग तो रातों को देख रहे थे। ये बातें बताई नहीं जाती। डांस हमने भी बहुत किया लेकिन 6 करोड़ हमने नहीं कमाए। यही तो बात है, यही तो बात है, लड़के वायरल हो जाते हैं, गुटखा खा रहे हैं कुछ बोल रहे हैं वो वायरल हो जाते हैं। 3-2-1 पिल्ले। अच्छा यहाँ देखें कितना अच्छा लग रहा है 3-2-1 पिल्ले, वो बोल रहे पता नहीं क्या लग रहा हो। एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहेंगे किसी को, हमारी यूथ है वो परेशान हो गई बेचारी कि भाई डिग्री हुआ क्या करें। ऐसा नहीं है, इफ यू आर क्रिएटिव इनफ तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गुड जॉब। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। वरना आप अपना कुछ स्टार्ट करें और इस तरह की एग्जीबिशन में शो करें, आई एम श्योर अगर आप इतने टैलेंटेड होंगे तो आप लोग देखेंगे करेंगे। बिल्कुल सर, ये लोग बोलेंगे नहीं यार वहाँ पे मजा आ रहा है, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत से आप देखिए छोटे छोटे लोगों ने अपना छोटा छोटा बिजनेस खोला हुआ है एंड दे आर वेरी क्रिएटिव। एक शेफ मौजूद है यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों को, बताएं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ शेफ मुनीजा और इस वक्त मौजूद है हम दाची के इवेंट पे और बड़ा मज़ेदार सा इवेंट नज़र आ रहा है और इन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया है बमा एलो अयाल। तो जो है कि आप पूरी फैमिली को देखें, आप हमारे शेफ को जरूर रोज देखते होंगे लेकिन आज पूरी फैमिली मौजूद है, सर भी मौजूद है, अभी जिक्र करेंगे खाना कैसा बनता है घर में। चले धूप। अच्छा खैर ये बताइए कि अभी आप इवेंट में आई हैं, हमारा एक सवाल है हम लोगों से पूछ रहे हैं सर, सवाल ये है कि ये जो वीडियो वायरल होती है, मुझे वायरल होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको कोई ना कोई चीप कंटेंट देना पड़ेगा जो लोगों को पसंद आ जाए और फिर वो आप वायरल हो जाएं, जिस तरीके के आजकल चल रहा है वो यही चल रहा है ना, कुछ चीप चीज़ें जो है लोग करके अपने आप को फेमस कर लेते हैं और हमारी आवाम ही उनको फेमस करवाती है, क्रिटिसाइज़ भी हम ही करते हैं उनको, ठीक है, और फिर हम मतलब तारीफ देख भी रहे होते हैं, कॉमेंट भी हम ही करते हैं और बुराई भी हम ही करते हैं, तो उसमें हम उन लोगों को जिम्मेदार नहीं कहेंगे, उसमें हम अपने आप को जिम्मेदार कहेंगे। आपने अभी तक हमारे पास ये पहला वैलिड पॉइंट आया है जिसमें हमें ये लग रहा है कि वाकई में हम लोग भी जिम्मेदार हैं, शामिल हैं, क्योंकि अक्सर होता है लोग बोल रहे हैं यार हम लोग तो देख रहे होते हैं और एंजॉयमेंट हो रही होती है, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए बहुत अच्छा है, लोगों को सपोर्ट करना नहीं आता, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जिसका उसका कॉन्टेंट कुछ भी है लेकिन बेचारा मेहनत कर रहा है, वो ऐसे ऐसा वो भी ऑब्वियसली फील्ड में आता था वो समझ जाता कि यार उसने अब क्या करना है, ये चीज़ मेरी जो है वो अच्छी नहीं है, फिर उसको चेंज कर, लेकिन हम लोग सपोर्ट नहीं करते, हम लोग क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए उसको जैसा भी है कोई भी हो, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। इसलिए मैंने सवाल ये रखा है कि मुझे वायरल होना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये हमारा सवाल ये है कि वीडियो वायरल जो होती है उनके राज क्या है? बात ये है कि लोगों को पब्लिसिटी, फेक पब्लिसिटी चाहिए, आई थिंक इसीलिए वायरल हो रही है वीडियो, फेक पब्लिसिटी के लिए लोग। हाँ तो अब देख लें आजकल, बाकी ये जो आजकल मेरा दिल ये पुकारे जो चल रहा है उसमें उस बंदी ने किया गया है, एक तरह से वो वल्गैरिटी फैला रही है, हमारा दीन एज अ मुस्लिम हमारी सोसाइटी में ऐसा होना नहीं चाहिए जो के, और फिर आप देखें मॉर्निंग शो में बुलाकर उनको पब्लिसिटी दी जा रही है, तो ये तो टोटली बहुत गलत चीज़ है, इससे हमारी बच्चियां या आगे आने वाले बच्चे क्या सीखेंगे, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल प्रमोट करनी भी नहीं चाहिए हमें। आप पढ़ाई लिखाई कोई और चीज़ों पे ज़रा कर लो, ये तो एक अजीब सी चीज़ थी
जिसको हम अपने बच्चियों को दिखाना भी नहीं चाहेंगे कि आगे चल के वो ये हरकतें करें। कोई लड़की गाना गा रही है वो हिट हो जाती है रातों रात, कोई लड़का जो है वो पता नहीं क्या बोलता है वो हिट हो जाता है, तो इसके क्या है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए और क्यों हो रहा है ऐसा काम? इसका जवाब आई थिंक किसी को भी नहीं पता। माशाल्लाह से आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, सब लोग कह रहे हैं, सबकी आवाज़ है दिल की, वो मैं बता रहा हूँ। कौन है यार तू? तो कभी आपका माइंड हुआ कि यार मैं भी टिकटॉक बनाऊँ, कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं भी वायरल हो जाऊँ? मुझे ज़्यादा शौक नहीं है ज़्यादा वायरल होने का, मुझे लगता है कि जैसे बंदा वायरल होता है तो साथ उसके साथ नुकसान भी होते हैं। अब मुझे लड़की जो वायरल हुई है उसका मतलब कि लोगों ने अप्रिशिएट शुरू में बहुत किया, लेकिन उसके बाद उसको हेट भी करना शुरू कर दिया, कुछ जेलसी आ जाती है, कहते हैं कि इससे ऐसी क्या चीज़ की जो हमने नहीं की, तो इसलिए मेरा कोई टिकटॉक नहीं है, कोई इरादा नहीं है इन फ्यूचर मैं भी कुछ करूँगा। नहीं नहीं। अरसलान ये बताओ यार वीडियो वायरल करने का राज क्या है? वीडियो वायरल करने का राज जो चीज़ मतलब ट्रेंड हो रही हो, मेरे हिसाब से तो ये है कि टिकटॉक बनाएं, कोई पुराना गाना बनाएं, थोड़ा ग्लैमर डालें, हो जाएगी वायरल। कैसे मतलब कपड़े होने चाहिए? नो गॉड प्लीज नो। कपड़े बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा ये राज होना चाहिए, और उसके अलावा और क्या राज है जो कि हिट हो जाएगा? P4 पकाऊ एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत ही खलीज होता है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन वो अब पॉडकास्टर बन गए हैं और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो नहीं इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन हिट हो गए। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तो अल्लाह ताला जिसका हाथ पकड़ ले। ये तो आपने बहुत गहरी बातें बोली, बहुत लगी होगी दिल पे। शुक्रिया, थैंक यू। क्या राज है जो वीडियो वायरल होती है, आखिर इनके क्या करना क्या पड़ता है वीडियो वायरल करने के लिए? कैसा क्रेजनेस चाहिए, लोग क्या करें और डांस करना शुरू करते हैं सब, क्या करें क्या समझाएं थोड़ा इसमें? डांस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी समथिंग यूनिक जो नॉर्मली नहीं हो रहा वैसे आप कुछ करेंगे तो आप वायरल। एब नॉर्मल टाइप बंदा काम करते हो जाएगा वो भी है, सब चलता है। नॉर्मल ज्यादा चलता है, नॉर्मल ज्यादा चलता है, ये पॉइंट भी सुनना चाह रहा था। एब नॉर्मल वाकई बहुत ज्यादा चलता है। तो व्यूअर्स आपने सुना कि किस तरह के कॉमेंट्स आए हमारे पास, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हम बता रहे थे एक मैसेज था कि अगर वीडियो वायरल करना हो या वीडियो वायरल करने का राज क्या होता है ये हमने पूछा था। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ आप अपने चैनल को यानी दमदार पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।